चैनल सो दिस इज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो मुझे भी नहीं पता था मैं ये शूट करने वाली हूँ यू कैन सी दिस मिस्ट्री बॉक्स ये मिस्ट्री बॉक्स नहीं है दिस इज अ गिफ्ट मेरा बर्थडे गिफ्ट है फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड दीप एंड ये नॉर्मल गिफ्ट नहीं है दिस इज ऑल द वे फ्रॉम जापान इसमें सारे जापानीज स्नैक्स एंड आई डोंट नो क्या क्या है मैंने अब तक देखा नहीं है आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट विद यू ऑल सो येस विदाउट एनी बक लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड मैं ये अकेले टेस्ट नहीं करने वाली हूँ I have my sisters with me. So let's unbox this gift. So यहाँ पे I have all the treats. बहुत सारे दिख रहे हैं तो मुझे बहुत excitement है. But सबसे ज़्यादा इसके लिए this is Japanese wine that is sake. Actually मुझे पता नहीं Japanese wine है कि whiskey है. तो मैं वो थोड़ा search करके आपको बताती हूँ. एंड सब पे ना लैंग्वेज एक्चुअली समझ नहीं आ रहे तो हमारे पास ट्रांसलेटर है हम ट्रांसलेट करके देख लेंगे कि क्या है लेट्स होप वी आर ईटिंग द राइट थिंग्स सो यस लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा इजी स्टफ ये हम फिनाले के लिए रखते हैं लास्ट में सो यस लेट्स स्टार्ट विद सबसे ऊपर तो यही है थोड़ा स्नैक्स भूख भी लग रही है तो स्नैक्स से स्टार्ट करते हैं ये मैं थोड़ा नीचे रख देती हूँ ओके सो फर्स्ट इज श्रिम्प फ्लेवर्ड क्रैकर्स इंट्रोडक्शन की गरज जरूरत नहीं है दिस इज श्रिया एंड दिस इज अपूर्वा दे आर माय सिस्टर्स सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्नैक एंड हम स्नैक्स को रेट करेंगे एंड में नो पेशेंस एट ऑल ओके हम चूज करके खा चुके At the end, you feel so comfy. Yeah. मतलब first bite में it feels like normal any chips or something. But नहीं जब भी when the aftertaste is fishy. Start में जैसे पेपी को bite करता है वैसे लगता है. And उसका जो aftertaste है वो बहुत ज़्यादा fishy है. मतलब prawn का जो shell का taste है ना especially वही लग रहा है मुझे कि मैं shell खा रही हूँ ऐसा ये है. बट इट्स नाइस मतलब थोड़ा अक्वायर्ड टेस्ट है यू मे नॉट लाइक इट फर्स्ट बट देन और एक लेंगे मतलब काइंड ऑफ एडिक्टिव थोड़ा अभी मेरे को स्टार्ट में भी फ्लेवर आ रहा है बट एंड शी इज अ वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन एज आधी आधी वेजिटेरियन मतलब वो पीस वगैरह नहीं खाती बट ऐसे फ्लेवर चीजें चल जाती है ठीक है यस हाउ मच विल यू रेट Shrimp flavored crackers. Out of 10. Yeah, out of 10. I think 7. Even I'm going to rate it a 7. 8. I liked it actually. Coming from a vegetarian, it's really nice. You can try it. Let's move on to the next snack. थोड़ा मीठा कर लेते हैं. Snack एक मीठा ऐसे try करते हैं. मतलब अभी पता नहीं मुझे इतना ठीक है. But मुझे यहाँ पे उसमें तो एक्चुअली इंग्लिश में लिखा था इसमें कुछ इंग्लिश में लिखा नहीं है ओके सो ट्रांसलेटर पे इट इज शोइंग दिस इज सोनोमाना ग्रेप फ्लेवर इट लुक्स लाइक कैंडी ओ डॉट तीन है और हम भी तीन ही हैं स्मेल्स नाइस एक्चुअली स्मेल्स प्रॉपर ग्रेप I hope it's not chewing gum. अंदर ना एक जेली है. See jelly filled candy है. Let's taste it. It is very sour. Chewing gum में की नहीं. I think it's chewing gum. But the texture of it, but it's too sour. I don't have it further. For me it's fine. I can have sour taste. मेरे को बहुत पसंद है इनका sour ऐसे citric. She's not a fan. I like the proper grape. I'm बहुत हमें पता नहीं है chewing gum है कि क्या है तो हम चुप देते हैं. I guess chewing gum है. क्योंकि it has a very sour acidic taste in a good way but I'm not fond of sour taste. Sour. I'm enjoying. She likes everything. Okay, so let's rate it. First you go. I would rate it
हल्का मतलब टैंगी नहीं बट अलग फ्लेवर है थोड़ा
yeah, it was nice, it was spicy, it had flavors, it had veggies, I think meat, all at the same time. Indians would like this. Yeah, I think Indians, yeah. ये थोड़ा इंडियन फ्लेवर में ज़्यादा है मतलब इट वाज जिंजर नो या इसलिए मेरे को इंडियन फ्लेवर ज़्यादा आ रहे हैं एंड द चंक्स दैट वी वर स्पीकिंग अबाउट जो इधर दिख रहा है एक्चुअली जिंजर चंक्स नहीं थे दे दैट वाज कुक इट इज नाइस मेरे को ये अच्छा लगा वेरी फ्लेवरफुल मस्त कुक भी हो गया 5 मिनट में हैज अ लॉट ऑफ वेजीज हां इसमें फ्लैट नूडल्स है तो अच्छा लग रहा है खाने के लिए आई कैन I would recommend this one. अगर try करना हो तो ये Japanese में try कर सकते हो. Very familiar taste हमारे जैसा because ginger है. तो but ginger का इतना forward taste नहीं है. But मसाले का taste है. It's nice, mild, spicy. And yeah, I liked it. I would rate it 9/10. 7/8. Yeah. ये रख देते हैं अभी side में. दो मुझे और थोड़ा खाने का मन हो रहा है. Let's move on to the next, which is again a snack. Oh, fish. It's written in English. So acha hai. It is fish crackers. This kingfish. It's written there. Oh, kingfish. Kingfish mandir. Yeah. Surmai. In Marathi, we call it surmai, and we love surmai. I think it. I don't know. I'm just guessing. This must be aisa that. No, cheeselings types crackers. I hope it is fish ke shape. Fish ke shape. Oh, yeah, that too. Maybe it's a. Simply fry and eat. Sure. Thank God, we opened it. Oh, it is. We have to fry it. मेरे को लगा इसे snack है. मुझे भी वही लगा. मेहनत करना पड़ेगा अभी. Yeah, now this too we have to fry. And Okay, now it's time for the fish crackers. थोड़े tricky है ये cook करने में क्योंकि अबड़ दोबड़ shape में हो रहे थे. But somehow we managed to do it. इसमें कच्चा है तो ये ही taste करते हैं. ये side कर ये कन्या है यार. You break it. I'll take a bite. Oh. मजे दार तो. It's very fishy. Why are Japanese people going like that? Why us? God, why us? Like, it's nice, but you can actually feel like you're eating a fish. Raw fish only. Matlab sabudana nahi sukha sukha fish. Sukha padne hai. Rasa kamai the jo the skin ekdam aise soft ho jane ke baad fish se taste hai. मतलब जो ग्रेवी में फिश है उसका जो स्किन ऐसा स्लाइमी सॉफ्ट होता है उसके बाद जो फिश का टेस्ट आता है ना सी हाउ वी आर डाइजेस्टिंग फिश एक्सप्लेनेशन विस्तार में वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ फिश बट थोड़ा टाइम हम एक्चुअली फ्राइड कुछ भी दो ना हमें अच्छा लगता है तो मे बी दिस थोड़े टाइम बाद हमें अच्छा लगेगा जैसे अभी ये खाना स्टॉप नहीं करना आ रही है दैट इज द प्रॉब्लम इसमें फ्राइड चीजों का हम रुक नहीं पाते बट अभी अच्छा लग रहा है मुझे आई डोंट नो व्हाई जितना ज्यादा खा रही हूँ ना उतना मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज आई डोंट माइंड द फिश फ्लेवर आई लव फिश तो मुझे अच्छा लगा मे बी जिन लोगों को फिश नहीं पसंद उनको नहीं अच्छा लगेगा बट फॉर मी दिस वन वॉज 8/10 7/10 सेम 7/10 7 बोला था ना पहले हो जाता नहीं नहीं सही कंक्लूडेड 6 बट यस इट वाज नाइस लेट्स मूव ऑन ऐसा ही कुछ गम जैसा इट्स लाइक फ्रूटेला या इसलिए मैंने देखी पहले बोला फ्रूटेला जैसा ही है बट जापनी सो इट्स प्लम फ्लेवर्ड नॉट वाटरमेलन एंड इट्स अ च्युइंग गम हां मतलब बचपन में इतना मेरे को कूल लगता था च्युइंग गम पूरा टाइम मैं खाती रहती थी या इट वाज सपोज टू बी सो कूल बट अभी मेरे को ऐसा इरिटेट होता है बिकॉज़ आई वांट अगर मैं खाऊं तो वो मेरे पेट में जाए एंड नॉट इन द डस्टबिन सो अगेन ओह इट इज बबल गम में ऐसे वो स्ट्रिप्स आते थे ना वैसा है ये ऑपोजिट Actually, I like this one. It has thoda little fruity taste. It is minty as well. First taste is fruity, then it's minty, and then it's not good.
I didn't like it after chewing gum ka rating. The earlier one, like we have to rate 2? No, no, both of them. Yeah. Yeah, it was almost the same. 5 or 10, I'll rate 5. I'll rate it 7.5, I'll have it again. Oh, sorry, I'm going to rate it 2. Because I don't like it. And I am such a huge fan of Boomer. I used to eat a lot. So, chewing gum, that is a bar that is set in Boomer. And this is artificial, very artificial. Actually, okay, so next we are going to try it in 7. Okay, let's taste the watermelon. Fatafat. They are like sugar watermelon balls or something. Okay, you can bite into it, so pura powdered sugar se burst out with watermelon flavor. मतलब अब तक जो भी खाया है इसमें सबसे ज़्यादा flavor था. Yes. और जो बोल रहा है वही flavor है. मतलब बाकी सब में जैसे plum वाला वो flavor नहीं था. ये proper watermelon ऐसे लग रहा है कि मैं watermelon खाई हूँ. It's nice. It's nice. हाँ. Fancy thing is इसमें zipper है, very fancy है for a candy. Candy या बहुत अच्छा है ये. Okay, so rating, how much are you rating it? 7 or 10. Okay. 10. No, I'll rate it 9. I liked it. I liked it. I'm going to rate it 8 on 10. Now let's have this magic. The popper. Third. इसको निकाल के देखते हैं. See? Okay. It has a small candies and crystals and candies. I'm having musical band inside my mouth. The candies are also popping, not just the crystals. I initially thought only the crystals are going to pop. अच्छा था. मतलब वेरी रिफ्रेशिंग एंड मैजिक पॉप. तो इट इज सो मच ऑफ फन. प्रॉपर ऐसे नॉस्टैल्जिया वाइब्स बस में हम लोग बहुत ये खा रहे थे. सो हाउ मच विल यू रेट? आई विल रेट इट 10 आउट ऑफ 10. आई लाइक इट. आई एम गोइंग टू रेट इट अ 10 ऑन 10. इट इज सो गुड, यू कैन ट्राई. या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रामेन. ये वाला बहुत ही ज्यादा प्रिटी कलर है. इट्स अ पिंक. एंड पिंक में मैंने बुलडक का खाया था. इट वॉज द क्रीम कार्बोनारा फ्लेवर. तो हम होपिंग ये उसी के अराउंड होगा. लेट्स ट्रांसलेट. हाँ, यहाँ पे कुछ तो समथिंग कुछ तो इमेज या कुछ तो ड्रॉ कर रहा है. इसे तो दिखने में कैंडी लग रहा है. आई होप इट्स नॉट अ कैंडी. वी डोंट नो व्हाट द पिक्चर्स आर. लेट्स कुक इट एंड फिर हम थोड़ा और गूगल करते हैं एंड वी विल सी. ओके, सो हियर वी हैव द पिंक रामेन. नाम याद नहीं हो भी क्या था. सो दिस हैज दिस चुई बिट्स. आई डोंट नो व्हाट इट इज. सो लेट्स टेस्ट इट. एंड इसमें चार सैशेस दिए थे, फिर भी कुछ सॉस ही नहीं है एकदम. सिर्फ ड्राई है, सिर्फ रामेन रामेन ही दिख रहा है. सो लेट्स टेस्ट इट. थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट करते हैं बिकॉज द स्मेल इज सो बैड. वेरी बैड. नॉट एट ऑल. सुपर टैंगी. टैंगी नहीं है. इट्स वेरी बैड. Sorry, but yeah, we are so sorry, but it is. Let's taste it. Okay, मतलब smell से मुझे लग रहा था बहुत ही गंदा taste होगा, but इसमें taste ही नहीं है. कुछ taste ही नहीं है. Exactly, it is so bland. It's leaving that taste on your tongue. जो एकदम गंदा smell आ रहा था, but मुझे noodles ही taste आ रहा है. सिर्फ नूडल्स तो ये जो छोटा छोटा बिट था ना, इट इज एक्चुअली वेरी टेस्टी. उसका ही मेन फ्लेवर है आई गेस. और वो नूडल्स के साथ अगर खा रही हूँ, इट इज एनहांसिंग द फ्लेवर इवन मोर. सो आई लाइक इट विद दैट. बट सिर्फ ऐसे नूडल्स I don't think so. No. Apart from that, there are no vegetables. Yeah, there's nothing in it. Just the noodles. मतलब चार पैकेट देके क्या क्यों था वो चार पैकेट? मतलब सिर्फ स्मेल आने के लिए. You wanna taste it? No. I don't think you do. I don't want to taste it again. Okay, so very underwhelming. Yeah.
ratings. 2. I'm going to rate it 4. 3. Okay. Very bad rating. Very bad. High expectations, but. हाँ, we have had Korean noodles and they are so spicy and मतलब spicy है तो ज़्यादा खा नहीं पाते but कुछ तो flavour है उसमें. This is completely bland यार. कैसे खा लेते हो ये on daily basis that too. Maybe they have the same taste. Yeah, maybe they are used to it. हम तो Indian flavour चटकेदार भड़का and ऐसे सब ना हो तब तक हमको कुछ अच्छा नहीं. हाँ, but see I like Japanese food. I love sushi but उसमें flavours होता है. इसमें there's nothing so I'm gonna pass. And this is Pocky steak. So I was very excited. ये मैंने जब देखा तभी. So let's taste it. Looks so pretty. Okay, so cute. अगर हम लोग भगवान के लिए चढ़ाते हैं वो वैसा लग रहा है. Same है. How to eat it? Oh my god, it has such a strong smell. Let's taste it. Yeah. Come on. It's so light, it's addictive, I guess. And the chocolate is so creamy. मतलब इतना पतला लेयर चॉकलेट का फिर भी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है. It's perfectly sweet and मस्त ऐसे ऐसे लग रहा है कि मैं नॉर्मल बिस्किट को चॉकलेट में ना डुबा के खा रही हूँ. बिस्किट क्रैकर्स उसके तरह डिनर है. I don't like strawberry but this is nice. कितने पतले हैं यार. सो छोटू छोटू मस्त है. Yeah, मुझे लगता मेरा फेवरेट था. Even more than the magic box. Yeah, yeah. Loved it. अभी साइड में रखती हूँ नहीं तो यही खा जाने वाली हूँ. Okay, so rating. No doubt. 11 on 10. 11 on 10. It is so good. It was our favorite. बहुत मजा आया खा के. और ये अगर यहाँ पे मिलता तो मैं बहुत ऑर्डर करने वाली हूँ. And I guess मिलता है मैंने बहुत सारा देखा है. मतलब maybe more expensive, but मिलता तो रहेगा यहाँ पे. Now, so the next snack is this massive, giant UFO का ramen. It is Nissin का brand. तो Nissin के मैंने बहुत सारे ramen खाया and I am a fan of it. So ये flavor हम translate करके देखते हैं और कैसे cook करना है ना वो भी देखते हैं. Because ये थोड़े अलग type के ramen हैं. So let's open it up. Okay, the pork flavor again. Chicken kyun nahi hai kuch? I don't get it. Like they don't have much. I guess bahar na chicken itna zyada khate nahi hai. Hum kitna zyada chicken khate hai. Waise wo log pork ya beef zyada khate hai. But it's fine. Ye na same Chinese lag raha hai jo Chinese milta hai. And iska smell bhi bahut hi zyada tangy na sour smell hai. Iska jo sauce zyada tha wo aapne dekha hi hoga. Soya sauce hi lag raha tha. So let's taste this one now. इसका भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है बट माइल्डर देन द पिंक वन. या दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन अनियंस एंड ऑल. काइंड ऑफ हैज अ स्वीट टेस्ट अगेन नॉट एट ऑल अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट बट इट्स अगेन ब्लैंड फॉर मी. ओके इट इज स्वीट एंड साउर बट ये सिर्फ 1 या 2% है जो हम नॉर्मली फ्लेवरफुल खाते हैं. आराम से दो लोग तो इसमें पेट भर के खा सकते हैं. इट इज दैट हैवी. आई लाइक दिस वन. ए प्रॉपर इंडियन नूडल्स इफ यू कैन कंपेयर इट. या बट 1-2% ऑफ दैट. 1-2% या नॉट लाइक या या बट वांट टू हैव दिस यू डोंट हैव इट. नो नो यू कैन हैव इट. नो नो हैव अ बुलडक रामेन या मैगी खा दो यार. मैगी बहुत अच्छा है. ये मतलब अगर जापानीज ट्राई करना है तो ये वाला ट्राई कर सकते हो. वो तो मत ही करना प्लीज. सो लेट्स कीप दिस असाइड. अ रेटिंग आई थिंक आई रेट दिस एज 6 5 5 5. मैं 7 करने वाली थी बट आई रेटेड अ 6. यप आई लव दिस. सो नाउ इज द फिनाले. वी आर गोइंग टू हैव द साके. इसको भी आई गेस वी शुड गूगल ट्रांसलेट क्या है. बिकॉज़ साके में भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं. देयर इज राइस एंड देयर इज
बहुत सारे चीज़ें जो मुझे क्लियरली इस डिपार्टमेंट में पता है, दिस इज मंदार का डिपार्टमेंट. सो ही लव्स साके एंड आई एम श्योर दीप ने उसी के लिए लाया होगा. इट्स स्पेशल प्योर राइस वाइन. लेट्स ओपन दिस. ऐसे ऐसे नहीं होएगा वैसा शिट. इट्स नॉट अ शैंपेन. ओके सो हम अबाउ 18 है सो वी कैन हैव इट. Okay, it's see, not that strong. I am not a wine person, so mere liye thoda alag. And she is to non-alcoholic, so. Let's just take a sip. Little taste. Okay, itna hi main le because I don't think so. We can have much. It's fine. Okay, this wine is really different. When you taste it, it's not that alcoholic, but you can feel that burning sensation. Okay. I think thanda ya acha lagega. Okay, so chill. There goes nothing. Doesn't have that bitter taste. You know, seriously, try it. See, I am still having that some burning. Are it doesn't taste no. Okay, so ye jo neat. पीता है ना वोडका या कुछ उसमें कैसे से यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है वैसा है. डेफिनेटली वी नीड टू कूल इट डाउन तब जाके अच्छा लगेगा. बट इट्स नाइस. मतलब नॉर्मल वाइन जैसा नहीं है. इट फील्स वेरी एग्जॉटिक एंड इट्स नॉट स्वीट लाइक यूजुअली वाइन्स हैव दिस स्वीट टेस्ट थोड़ा सा. या बट इसमें नहीं है वैसा. बट अच्छा था. मतलब अ नाइस एक्सपीरियंस. मतलब ऐसे आई कैन सी माय सेल्फ हैविंग सुशी एंड हैविंग दिस. या आई लव सुशी. आपको पता होगा. सो यस दिस वाज द वीडियो. रेटिंग. अरे हाँ सॉरी रेटिंग. इसने तो पिया नहीं. आई विल गिव इट गुड 8.5. या इवन आई एम गोइंग टू गिव इट एन 8. इट वाज रियली नाइस. Okay, so that was it for this video. I hope you enjoyed it. थोड़ा अलग टाइप का impromptu video हो गया. Thanks to Deep. Comment में लिख दो उसको अच्छी अच्छी चीजें. And yeah, let me know what you think about this video. It was testing out Japanese mystery box. And let me know what you want to see next. Stay tuned for more amazing videos. And thank you for watching. Bye.